गुड इवनिंग। भूगर्भ विज्ञान कैसे, उसकी पढ़ाई की जाती है, हम लोगों को कैसे उसके बारे में देखना है, उसका जो स्टार्टिंग की कुछ बातें थी वो हम लोगों ने कल देखी। कैसे सियाल, सीमा और नीफे, ये तीन परतें हम लोगों ने कल देखी थी। मैंने आपको बताया था कि जैसे तरबूजा होता है उसे काट कर जैसे वो दिखाया जाता है कि पूरा तरबूजा ऐसा ही है, उसी तरह से हमारे पृथ्वी को उसी शेप में हम जो पढ़ाई करते हैं तो उसी शेप में काट कर हम लोगों को उसका जो हिस्सा है उसकी पढ़ाई करने के लिए दिया जाता है। तो कल का जो मैंने आपको इसके प्रीवियस सेशन में मैंने जो बताया था उसमें, मतलब हमने तीन लेयर बताया था कि तीन लेयर है, फर्स्ट लेयर को ये लेयर कहा जाता है, सेकेंड को ये कहा जाता है, जैसे सियाल है, सीमा है, नीफे है। लेकिन जो आधुनिक शास्त्रज्ञ है, जो आधुनिक वैज्ञानिक है, उन आधुनिक वैज्ञानिक लोगों ने इसमें और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया। उनका ऐसा कहना था कि इसकी परतें तो तीन है, एक दो और तीन, लेकिन ये जो परतें हैं इसमें हर एक लाइन जहां जहां से वो नई परत शुरू होती है वहां पे एक नाम देना चाहिए था। तो इन लोगों ने, ये जो आधुनिक वैज्ञानिक लोग हैं, इन्होंने इसको नाम दिया। अब हम जब देखते हैं ये जो एकदम ऊपर की परत है, ऊपर की परत सबसे छोटी परत होती है, जो सबसे ऊपर जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं वो सबसे छोटी, छोटी मतलब सबसे कम मोटाई वाली परत। तो इस परत को इन्होंने नाम दिया क्रस्ट। ये जो परत है इसका नाम है क्रस्ट, इसको क्रस्ट कहा जाता है। उसके नीचे एक परत है, उसके नीचे की परत को नाम दिया गया मेंटल। ये जो बीच में की परत है, ये परत सबसे बड़ी परत है, इसे कहा गया मेंटल। और जो नीचे की परत है, एकदम नीचे की सेंटर की परत, क्योंकि पृथ्वी कैसी है तो इधर भी ऐसे होगा, इधर भी ऐसे होगा, तो ये परत कौन सी है, ये सेंटर की परत है पूरी। ये जो सेंटर की परत है इसे नाम दिया गया कोर, इसे नाम दिया गया कोर। मतलब ये जो आधुनिक भूगोल के वैज्ञानिक है, भूगोल लेता है, इन लोगों ने भी क्या किया, परतें तो तीन ही बनाई लेकिन उन परतों को नाम दिया, और उन परतों को नाम देकर, उन परतों को नाम देकर उसके बीच में जो बाउंड्री लाइन है उनको भी नाम दिया, उनको भी नाम दिया। जो क्रस्ट है, क्रस्ट की, क्रस्ट और मेंटल को जो लाइन अलग करती है, क्रस्ट और मेंटल को जो लाइन अलग करती है, इस लाइन को उन्होंने मोहो लाइन, मतलब मोहो असंबद्धता रेखा, यह नाम दिया। किसको नाम दिया, जो लाइन क्रस्ट यानी कि ऊपर का लेयर और मेंटल यानी कि बीच का लेयर इन दोनों को अलग करती है, उस लाइन को नाम दिया मोहो लाइन, मोहो असंबद्धता रेखा। उसके बाद जो मेंटल है वो मेंटल और कोर, मतलब ये सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर, इन दोनों को अलग करने वाली जो लाइन है, इस लाइन को नाम दिया गुटेनबर्ग लाइन, गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा। तो ऊपर जो ऊपर की दो लेयर है, उन दो लेयर को अलग करने वाली जो रेखा है वह मोहो असंबद्धता रेखा, और नीचे की जो दो लेयर है उन दो लेयर को अलग करने वाली जो रेखा है उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा, ऐसा नाम दिया गया। इसको भी नाम दिया गया इसको। अब इन भूगोल नेताओं ने क्या किया, फिर से जो हर एक लेयर है, मान लीजिए ये क्रस्ट है, मान लीजिए नहीं है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और कोर है, तो उन्होंने फिर से क्रस्ट के दो पार्ट्स किए, मेंटल के फिर से दो पार्ट्स किए और कोर के फिर से दो पार्ट्स किए। मतलब क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन तीनों को दो दो भाग में फिर से बांटा। कैसे बांटा, एक ऊपर का क्रस्ट, एक नीचे का क्रस्ट, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। जैसे हमारी बिल्डिंग एक ही बिल्डिंग होती है लेकिन हम उसे भी दो मंजिल बनाते हैं, एक ऊपर की मंजिल, एक नीचे की मंजिल। आजकल तो बहुत मंजिलें बनाते हैं लेकिन मान लीजिए दो मंजिल है तो एक ऊपर की है, एक नीचे की है। वैसे ही अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, मेंटल को भी अपर मेंटल, लोअर मेंटल, कोर को भी अपर कोर, लोअर कोर। इस तरह से उन्होंने क्या किया, इसका विभाजन किया। अब ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट का जो अपर लेयर है, ऊपर का लेयर है,
एक है मेंटल और एक है कोर। तो इन तीनों लेयर में सबसे कम मोटाई वाला लेयर है क्रस्ट। इसकी मोटाई कितनी है? ये सिर्फ 1% है। इसकी 100% में इसकी मोटाई सिर्फ 1% है। ये जो मेंटल है, मेंटल की मोटाई सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मेंटल। इसकी मोटाई कितनी है? 83% है, 83%। और उससे कम, अच्छी ही कम, 16% है कोर की मोटाई, 16%। ये है कोर की मोटाई। अभी जैसे ही दो दो पार्ट्स में हर एक लेयर को बांटा गया, किसको? क्रस्ट को टू पार्ट्स में बांटा गया। तो जो क्रस्ट को टू पार्ट्स में बांटने वाली लाइन है उसको नाम दिया कोनोराड लाइन, यानी कि कोनोराड असंबद्धता रेखा। अभी ये जो मेंटल है, मेंटल को भी टू पार्ट्स में बांटा गया। जो मेंटल की मिडल लाइन है उसे नाम दिया गया रपेटी लाइन, उसे नाम दिया गया रपेटी लाइन, रपेटी लाइन। तो ये जो मेंटल है इसको भी टू पार्ट्स में बांटा गया, और कोर जो है कोर को भी टू पार्ट्स में बांटा गया। तो ये जो सेंटर की लाइन है उसे नाम दिया गया लेहमैन लाइन, इसे क्या नाम दिया गया? लेहमैन लाइन। अब ये जो तीनों परतें हैं, इन तीनों परतों में मोस्टली क्या क्या है थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। इसका तो मैंने बता दिया कि ये जो क्रस्ट है जिसपे हम लोग रहते हैं, नियर अबाउट 300 से 500 किलोमीटर की मोटाई है इसकी, नियर अबाउट 300 से 500 किलोमीटर की मोटाई है। और ये जो है इस पूरे इसका सिर्फ 1%, इसकी मोटाई सिर्फ 1% है। इसमें जो अपर क्रस्ट है वो एसिडिक होता है, और जो लोअर क्रस्ट है उसमें बेस ज्यादा होता है, क्षार की मात्रा ज्यादा होती है, वो क्षारीय है। और इस लेयर के ऊपर हम लोग रहते हैं, इसके ऊपर हम लोग, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लोग रहेंगे या फिर समंदर होगा, नदियां होगी, जो भी है, जो भी सृष्टि है वो सृष्टि सब यहीं पे ऊपर है। अब उसके नीचे जो मेंटल है, ये मेंटल ये प्लाज्मा अवस्था में ज्यादा होता है, यहीं पे मैग्मा होता है, यहीं पे ज्वालामुखी बनता है। लेकिन इसमें जो भी तरंगे ज्वाला भूकंप से जो भी तरंगे आती है वो तरंगे यहीं पे बहुत ही कम गति में तैयार हो, उसकी गति बहुत ही कम होती है। वो जो तरंगे होती है उन तरंगों को ये लेयर कम कर देता है, ये जो मेंटल है ये कम कर देता है। इसीलिए इसे निम्न गति का मंडल कहा जाता है। किसको? मेंटल को। ये मेंटल जो है वो निम्न गति का मंडल है। और इसमें इसका जो उसमें जो जो चीजें हैं, जैसे हम ऊपर है तो सॉलिड चीजें भी होती है, गैसियस चीजें भी होती है, तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स है, जो भी चीजें हैं, तो वो कौन से अवस्था में होती है? प्लाज्मा अवस्था में होती है। यहाँ पे मैग्मा भी होता है, यहाँ पे ज्वालामुखी भी निकलते हैं, लेकिन वो ज्वालामुखी यहाँ पे ज्यादा देर नहीं टिक पाते हैं, इसकी गति यहाँ पे कम होती है। गति कहाँ ज्यादा होती है? ऊपर के साइड क्रस्ट में उसकी गति ज्यादा होती है। और ये जो कोर है, सबसे नीचे का पार्ट, ये जो कोर है, इस कोर में गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, गुरुत्वीय मंडल ज्यादा होता है, इसकी घनता भी सबसे ज्यादा होती है। तो इस तरह से जो आधुनिक भूगोलवेत्ता है उन लोगों ने क्या किया, सब पहले जैसा ही था, सिर्फ उन लोगों ने इनको नाम, इनके नाम चेंज किए। ये सियान है, ये सीमा है, और ये नीफे है। तो उन लोगों ने इस ऊपर को, इसको नाम दिया क्रस्ट, इसको दिया मेंटल, और इसको दिया कोर। उनके हिसाब से क्रस्ट 1% है, मेंटल 83% है, और कोर 16% है। जो लाइन उन्होंने ऐसी लाइन बनाई, लाइन को ऐसा नाम दिया कि जिन लोग अभी इन दो लेयर को जो लाइन अलग करती है उसको एक नाम दिया क्रस्ट, और मेंटल को जो लाइन अलग करेगी उसको नाम दिया मोगो लाइन। ये जो मेंटल है, मेंटल और कोर को जो लाइन अलग करेगी उसको नाम दिया रुटेनबर्ग लाइन। अब जो अपर, जो लोअर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, इसको अलग करने वाली लाइन कौन सी है? कोनोराड लाइन है। अब ये जो लाइन है कौन सी? ये लाइन है। ये लाइन किस किस को अलग करती है? ये किसी को नहीं अलग करती है, ये मेंटल के सेंटर की लाइन है। तो ये सब जो लाइन है, इन लाइन को भी इन लोगों ने नाम दिया। ये जो सीमा है, सीमा रेखाओं को नाम दिया, और हर एक चीज को, जैसे उन्होंने बताया कि जो क्रस्ट है अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, जो मेंटल है अपर मेंटल लोअर मेंटल, जो कोर है अपर कोर लोअर कोर, जो अपर क्रस्ट है उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है, लोअर क्रस्ट है उसमें बेस की मात्रा ज्यादा है, जो मेंटल है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है, यानी कि पूरा लिक्विड भी नहीं और पूरा सॉलिड भी नहीं होता है। यहाँ पे मैग्मा हो सकता है, यहाँ पे भूकंप की लहरें भी आती है, लेकिन जो तरंगे यहाँ पे भूकंप की आती है वो तरंगे
धीरे 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 कहीं गायब हो जाती है, बहुत ही निम्न स्तर में चली जाती है, इसलिए इसको निम्न गति का मंडल कहा जाता है। और जो कोर है वो कोर, ये गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे ज्यादा होता है, गुरुत्वीय मंडल, इसको गुरुत्वीय मंडल कहा जाता है। और यहाँ पे घनत्व भी, यहाँ का घनत्व भी सबसे ज्यादा होता है। तो इस तरह से ये जो भूगर्भ विज्ञान है, इसका स्टार्टिंग का जो भाग है, स्टार्टिंग का जो थोड़ा बहुत भाग है वो हमने देखा है, इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। इसके बाद धीरे 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 भूगर्भ में क्या क्या होता है, ये इसमें क्या होगा, इसके ऊपर अगर समुद्र है तो क्या होगा, गहराई ज्यादा होगी या कम होगी, फिर इस पे कुछ असर पड़ता है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये सब चीजें हम धीरे 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 लेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम आगे के सेशन में देखेंगे।